अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ा था कि वो किस तरह बनता है, अगर उसके अंदर कोई अमीनो एसिड में क्या होती है शिफ्टिंग हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके टाइप क्या है, और जो हमारा इसमें मेन टॉपिक होगा वो होगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाय कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है नी? तो इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है, या तो कॉइलिंग होती है, ठीक है, कॉइलिंग क्या है बेसिकली कुछ ये कंडीशन हो, ठीक है, ये भी हो सकती है, या फिर क्या हो फोल्डिंग हो, फोल्डिंग से मुराद क्या है इस तरह क्या होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, या तो कॉइलिंग हो या फिर फोल्डिंग हो। इस कॉइलिंग और फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रोटीन का बेसिकली स्ट्रक्चर हमें मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जैसा कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का भी हिस्सा है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जब प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन से वो क्या होती है सिंगल स्ट्रेट चेन होती है, यानी कि आसान अल्फाज में कहें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वो प्रोटीन किस काम के लिए, उस काम की रिएक्शन, उस काम की नेचर को देखते हुए प्रोटीन को बदलना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते होते हैं। तो उसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एक स्ट्रक्चर बनता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। अब आते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बेसिकली कितनी टाइप्स का हो सकता है। तो अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप की तरफ चलते हैं कि टाइप्स, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स हमें मिलती है, जैसा कि ये स्पाइरल हो सकता है, इसमें आते हैं कि हेलिक्स, और जो हमारा आज का टॉपिक है अल्फा हेलिक्स, ठीक है जी। इसके अलावा ये प्लेनर हो सकता है, इसकी एग्जांपल क्या थी बीटा शीट, ठीक है जी। और ये बहुत स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर फॉर्म में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक है ओमेगा लूप, देन जिपर और ल्यूसीन जिपर, ठीक है जी। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स कह सकते हैं, ये कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हमें नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहले स्पाइरल फॉर्म में हो सकते हैं कि स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट हो सकती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर जाएगी, तो ये हेलिक्स हो सकता है, ये अल्फा हेलिक्स हो सकता है। अल्फा हेलिक्स से मतलब है जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो अल्फा कार्बोनेटेड होंगे, ये फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे अल्फा कार्बन से ये अटैच होंगे। प्लेनर में बीटा शीट कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा ओमेगा लूप है, जिपर है और ल्यूसीन जिपर भी होती है। ये रेयर फॉर्म में पाई जाती है, जबकि जो मोस्ट कॉमनली है वो हेलिक्स और बीटा शीट होती है। तो आज जो हम टॉपिक पे जाने वाले हैं इसे हम लोग अल्फा हेलिक्स के नाम से पढ़ना है आज, ठीक है जी। तो अल्फा हेलिक्स क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह बनता है। तो अगर हम लोग जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी इसकी डेफिनेशन को आधा करते हैं, तो वो डेफिनेशन किसकी है, अल्फा हेलिक्स की। कैसे जी, ये कैसा बनता है जी, कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वो टाइप जो कॉइलिंग से बनती है, इसमें क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर जाती है, कहां पे, बल्कि इस डेफिनेशन को और इलेबोरेट करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन क्या थी,
ये पॉलीपेप्टाइड चेन की एक चेन है, ये क्या करती है कॉइल कर देती है इस फॉर्म से, इस तरह कॉइल हो जाती है। कहां पे अराउंड अस मेजर के एक्सिस, इसके दरमियान से अगर हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि क्या जी एक लाइन है जिसके इर्द-गिर्द क्या पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर रही है, तो ऐसी अरेंजमेंट को या ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिक्स का नाम देते हैं। इसे अगर हम लोग मजीद कैलकुलेशन से समझना है तो हम लोग ये मिसाल ले सकते हैं कि फर्ज करें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है जी। इस डाटा के अंदर तो हम लोग एक वक्त के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये क्या जी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब क्या होता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो बेसिकली 1/4 या 1/5 पहला और चौथा अमीनो एसिड, या फिर क्या होता है पहला और पांचवा अमीनो एसिड, इसमें एक अमीनो का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन, इनके दरमियान का भी अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान इसके लिहाज से देखा जाए तो दो अमीनो एसिड का फर्क आता है, इसमें तीन का, तो फर्स्ट कहते हैं एक अमीनो एसिड यहां पे मौजूद था और दूसरा यहां पे, चौथा यहां पे मौजूद था या पांचवा ले, तो जब इनमें अट्रैक्शन होती है क्या होगी एक दूसरे को पुल करेंगे, पुल करने की वजह से क्या होता है वो चेंज होती है, वो कॉइल कर जाती है। इस तरह कॉइलिंग से क्या होता है जी हमें स्पाइरल फॉर्म अरेंजमेंट मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अब सेंट्री एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं या इमेजिनरी एक्सिस पर फर्स्ट कहते हैं जो मार्कर है इट इज इमेजिनरी एक्सिस, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कुछ इस लिहाज से हमें नजर आती है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो क्या है इमेजिनरी एक्सिस के इर्द-गिर्द है, तो ये जो मार्कर इसके सेंटर से गुजर रहा है हमने यहाँ पे इसे डॉटेड लाइन से शो किया, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी एक्सिस है जो कि हम लोग फर्ज करते हैं कि इसके एक फर्ज करेंगे एक लाइन है एक एक्सिस है जिसके इर्द-गिर्द वो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल की है। कैसे कॉइल की थी हमने बात कर ली कि क्या होता है अमीनो एसिड के अट्रैक्शन की वजह से, जब चेन एक दूसरे को जिन अमीनो एसिड के दरमियान अट्रैक्शन हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुई वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि अमीनो एसिड के दरमियान जो दरमियान में अमीनो एसिड होते हैं वो कुछ स्पाइरल फॉर्म में चले जाते हैं। इस तरह क्या होता है स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट हमें मिलती है, इस स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट को हम लोग अल्फा हेलिक्स का नाम दे रहे होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़ लिया है कि काज क्या जी पढ़ा था काज ऑफ अल्फा हेलिक्स तो वो क्या जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी तरह एक दूसरा अमीनो एसिड फिर तीसरा अमीनो एसिड चौथा अमीनो एसिड और एट द एंड यहाँ पे फर्ज करें पांचवा अमीनो एसिड लगा हुआ, ठीक है जी। और किस तरह जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो सेंटर में हमने कहा यह है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तो ये अमीनो एसिड है जिसमें पहले अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप में मौजूद हाइड्रोजन और जो चौथा या पांचवा ले लें उसके ऊपर जो कार्बन के ऊपर मौजूद ऑक्सीजन है इनके दरमियान क्या होती है बॉन्डिंग बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से चेन का भी कॉइल हो जाती है जैसे कि हमने वायर की मदद से अभी देखा था। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली वो वजह है जिसकी वजह से स्पाइरल अरेंजमेंट बनती है या हम लोग ये कहते हैं हेलिक्स बनता है। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं कि हेलिक्स चले बन तो गया, ठीक है जी, इसमें क्या हुआ लिंकेज बन गई, अगर हम लोग इसे कह सकते हैं ज्यादा एलैबोरेट करना चाहें तो कुछ इस लिहाज से हम लोग देख सकते हैं कि फर्ज करिए क्या जी एक स्पाइरल अरेंजमेंट बन गई जिसमें यहां पे हमने दो अमीनो एसिड शो किए हैं जो कि क्या जी इस अरेंजमेंट में बने हुए थे जिस अब इनके दरमियान के लिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है तो यहां पे क्या होगा अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हमने बात कर ली कि अल्फा हेलिक्स स्टेबल कैसे होता है व्हाट आर द कॉसेस ऑफ दिस स्टेबिलिटी तो उसके अंदर जो मेजर फैक्टर है वो क्या जी मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके अलावा आर ग्रुप भी आ सकता है और दीगर कंडीशन भी आती है। और अब हम लोग एक अमीनो एसिड फर्ज करते हैं बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहां पे NH2 लगा होता है
यहाँ पे कोई ना कोई R ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है जी। अगर तो ये सिंपल ग्लाइसिन है तो हाइड्रोजन होगा, वरना कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, ये ग्रुप कहाँ पे चले जाते हैं? तो अगर हम लोग स्पाइरल अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली क्या होती है, राइट हैंडेड होती है, जब भी अट्रैक्शन होती है कॉइल कुछ राइट हैंडेड फॉर्म में कॉइल करती है, कुछ इस तरह कॉइल करती जाएगी, ठीक है। किस तरह वो भी हम लोगों ने बात करनी है कि लेफ्ट हेलिक्स कैसे बनता है और राइट हेलिक्स। तो अगर हम लोग अमाइनो एसिड की बात करें तो जो आर ग्रुप होता है इसके अंदर, ये जनरली आउटसाइड पे होता है, यानी कि इसकी मिसाल देखते हैं बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो आर ग्रुप होगा वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उसका बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो आर ग्रुप क्या होता है, दे आर आउटसाइड फ्रॉम द स्पाइरल, या कह सकते हैं बैकबोन की दूसरी तरफ होता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसके ऑपोजिट साइड पे, या आउटवर्ड ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर ग्रुप मौजूद होते हैं। इनका भी स्टेबिलिटी के अंदर फैक्टर होता है। तो इस तरह की जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होती है, नॉर्मली 1,4 और 1,5 अमाइनो एसिड ग्रुप में, जिसमें एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप में मौजूद हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की वजह से चेन का कॉइल हो जाती है और एक स्पेरिकल अरेंजमेंट हमें मिलती है, जिसे हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अब इस जो कॉइलिंग है, ये दो तरह की हो सकती है, ये राइट हैंडेड भी हो सकती है और ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे बात करनी है कि हमने पढ़ा था 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड थे, तो ज्यादा सी बात है इनसे ही मिलकर बनती है, लेकिन किस तरह के नेचर के होते हैं, तो जितने भी ज्यादातर चांसेस मैं कह रहा हूँ, नॉट ऑल, जितने भी स्कैंडी स्ट्रक्चर या प्राइमरी या क्वार्टरनरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, दीज आर आर फोर स्ट्रक्चर, इनके अंदर अल्फा अमाइनो एसिड नॉर्मली पाए जाते हैं, कुछ रेयर केसेस में हो सकता है कि अल्फा के अलावा बीटा या गामा में भी आती है कंडीशन। तो अब हम बात करते हैं हेलिक्स की कितनी टाइप्स हो सकती है। ठीक है, तो हेलिक्स की टाइप की बात करते हैं, तो जो हेलिक्स है ये दो तरह का हो सकता है हमारे पास, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड क्या होती है, ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, कॉइलिंग होती है, और फर्ज करें कि ये मेरा राइट हैंड है, दाया हाथ है, तो इसके अंदर जिस हमने फिजिक्स की फिजिक्स की बुक्स में हमने राइट हैंड लॉ पढ़ा हुआ, उसमें क्या होता है कि ये हमारे एक्सेस को शो करता है, थंब जो होता है, और जो हमारी रोटेशन ऑफ फिंगर्स होती है, ये क्या होती है, कॉइलिंग को शो कर रही होती है। अगर फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, रेडिएशन कहाँ से कहाँ जा रही है उसको शो कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर राइट हैंडेड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड की जो अट्रैक्शन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो चेन होती है वो राइट हैंडेड हो रही होती है, यानी कि कुछ इस तरह जा रही होती है नीचे की तरफ। और लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉइलिंग इस तरह होगी, ऐसी कंडीशन में ऐसे जाने की बजाय चेन जो चेन है वो नीचे इस तरह जाती है। और इनकी जो बेसिकली डिफरेंस आती है, जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ये पाया जाता है, ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेलिक्स पाया जाता है वो राइट हैंडेड ज्यादातर होता है। अब बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी की, कि ये जो अल्फा हेलिक्स है या हेलिक्स की बात कर लेते हैं, ये स्टेबल क्यों है, क्यों वो ऐसे ही फॉर्म में रहता है, क्या कभी ओपन नहीं हो पाता? नॉर्मली जब प्रोटीन डीनेचर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो ओपन तो होगा, लेकिन अल्फा हेलिक्स जब एक दफा बन जाता है, अट्रैक्शन हो जाती है, तो फिर ये ब्रेक क्यों नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में? ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा जब इसे ब्रेक करना हो, तो उसके अंदर फैक्टर कुछ आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो स्टेबिलिटी के अंदर दो फैक्टर है, नंबर वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर टू आर ग्रुप। ये दो वो फैक्टर हैं जो कह रही है अल्फा हेलिक्स स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है तो क्या होता है, अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी के ऊपर डिफरेंस आता है, स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, वो अनस्टेबल हो सकता है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ आते हैं, तो जब जैसे हमने बात की थी कि एक फर्ज करें फोर अमाइनो एसिड को खींच रहा है, तो फोर जान से बाद नाइन को खींचेगा, उसके बाद टेन फोर्टीन को खींचेगा, इस तरह का होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने अमाइनो एसिड हो गए, हर एक अगर हम लोग यहाँ पे फोर का इंटरवल भी ले लेते हैं, तो हर एक फोर इंटरवल के बाद जो अमाइनो एसिड आता है उसे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जब ये चेन डेवलप होती है, तो जिस तरह यह हमने दिखाया कि मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन हो सकता है इनके दरमियान, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होगा इनके दरमियान,
यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन हो सकता है, इनके दरमियान यहां पे फर्स्ट कर ले ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो इनके तो ये जो क्या होता है मल्टीपल क्या होता है, ये मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, स्टेबल यानी कि ओपन चेन में नहीं जाता, स्ट्रेट नहीं होता है, इसी फॉर्म में रहता है। दूसरा जो फैक्टर यहां पे इन्वॉल्व होता है वो क्या है, आर ग्रुप है, आर ग्रुप की स्टेबिलिटी या आर ग्रुप की जो वेट है, साइज है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आर ग्रुप बल्की साइज है, इसका वेट क्या है बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा चेन के अंदर डिस्टर्बेंस करेगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो सकता है। लिहाजा नॉर्मली जो आर इसके अंदर लगे होते हैं 20 सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अल्फा हेलिक्स में, तो वो नॉर्मली वो होते हैं जिनका आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप क्या है वो लाइट होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ताकि इनकी जो कह लेंगे बल्कीनेस है वो इसके ऊपर इफेक्ट ना करे, जितना लाइट होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह कहती है अल्फा हेलिक्स बनने के बाद हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ऐसे क्यों रहता है, सेपरेट क्यों नहीं होता, सेपरेट तभी होगा जैसे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, आर ग्रुप बहुत ज्यादा बल्की हो जाए, तो ये डिफरेंट कंडीशंस आ सकती है जब इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन टूटती है। ज्यादातर बेसिकली हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर या पीएच चेंज करने से क्या होता है, या तो आयनाइजेशन हो जाएगी या डीनेचुरेशन हो जाती है। उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो ये वो फैक्टर है जो क्या करते हैं एक अल्फा हेलिक्स को इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रखते हैं, उसे अनस्टेबल होने से बचा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग इसकी चलते हैं एंगुलर एंगल्स की तरफ बात करते हैं तो या इसकी पिच की बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसके हम लोग क्या करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, ठीक है जी, इस अल्फा हेलिक्स के एक टर्म में यहां से लेके यहां तक, ये बल्कि यहां से नहीं यहां तक, ये जो एक इतना, इसके बाद क्या वो दोबारा से टर्म लेगा, तो इतने हिस्से के अंदर 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है जी। एक टर्म जो अल्फा हेलिक्स का है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.6 अल्फा अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसकी पिच की बात की जाए कि इतना डिस्टेंस, यहां हम लोग फर्ज करें यहां से नया टर्न स्टार्ट हो रहा है तो इतना डिस्टेंस क्या है, तो एक अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स के अंदर जो पिच होती है, या यहां से ले लें इतना ले लें, यहां से यहां तक की बात कर लें, तो जो बेसिकली पिच होती है वो क्या होती है 0.54 नैनोमीटर, ये क्या होती है जी अल्फा हेलिक्स की पिच। अब अगर हम लोग 0.0 नहीं लिखना चाहते तो हम इसे सिंपल पावर करके कोई सिंपल सी सिंपल क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम लोग इसे 54 10 टू रेस्ट पावर माइनस 10 भी कहते हैं, या इसकी जगह हम लोग एंगस्ट्रम का वर्ड भी यूज करते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स है इसकी जो पिच होती है वो कितनी है 54 एंगस्ट्रम है। इसी तरह यहां से लेके यहां तक जो हमने बात की थी कि हमारे रिजल्ट होते हैं, तो जो हाफ पिच है इतने की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, इतने से की बात कर लेते हैं, इतने से में जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है जी, उनमें या एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 15 एंगस्ट्रम या 0.15 नैनोमीटर। एक अमीनो एसिड फर्ज करिए एक अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.15 नैनोमीटर या 15 एंगस्ट्रम हो सकता है। अब उसके बाद एंगल की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है जी, दो तरह के एंगल हमें मिलते हैं, एक तो हम लोग कहते हैं फाई और दूसरे को साई, ये दो एंगल हमें मिलते हैं इसके अंदर जो अल्फा हेलिक्स के अंदर, और इन एंगल्स की जो वैल्यूज है वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या अल्फा हेलिक्स वाकई प्योरली स्टेबल है या इसके अंदर कोई अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं इस फाई का एंगल है वो क्या हो सकता है जी, वो 16 डिग्री हो सकता है माइनस में, और जो पी साई है इसका 50 डिग्री से 54 डिग्री तक माना जाता है, ठीक है जी, इतना हो सकता है। ये तो एंगल क्या है बेसिकली, अगर हम लोग पहले चलते हैं पाई की तरफ, तो ये क्या है नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान डिस्टेंस, मिसाल के तौर पर हम लोग यहां पे देखते हैं फर्ज करिए एक अमीनो एसिड है,
जो कह रही अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में बेंड हो चुका है, अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए बेंड हो चुका है। तो ये अल्फा कार्बन होता है जैसे कि हमने पढ़ा, इस अल्फा कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान ये जो एंगल है, ठीक है जी, इसे हम लोग कहते हैं साइड। नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान जो एंगल है, किस एंगल पे वो बेंड हो रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं साई। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये नॉर्मल एंगल है अल्फा हेलिक्स के लिए, यही एंगल होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ये कार्बन और इस अल्फा कार्बन की, यानी कि अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक कार्बन के दरमियान, यहां पे ये किस एंगल पे ये बेंड हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पी साई। ठीक है जी, कार्बन और कार्बन अल्फा के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं पी साई। और ये कितना होता है -40 डिग्री टू -45 डिग्री। अगर किसी अल्फा हेलिक्स के स्टैटिस्टिक एनालिसिस के दौरान या एंगुलर एनालिसिस के दौरान हम लोग जब एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान 60 एंगल हो, यानी कि साई जो एंगल है वो -60 है, और जो पी साई एंगल है यानी कि अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कार्बन के दरमियान, वो -40 टू -55 तक है। तो इट इज अ नॉर्मल एंगल वैल्यू, व्हिच मींस दैट अल्फा हेलिक्स इज ऑल इट्स रिक्वायरमेंट इन इट्स फॉर्म, दैट इज अ स्टेबल। अगर ये एंगल बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट इसी वैल्यू में आते हैं, यानी कि ऊपर वाला 60 या 40 से 45 तक, तो इसका मतलब है अल्फा हेलिक्स कैरी वो बिल्कुल स्टेबल है। तो इसके अंदर जो जो स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर चाहिए वो नॉर्मल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, आर ग्रुप कैरी वो ज्यादा बल्की नहीं है बल्कि लाइट है, इस वजह से जो अल्फा हेलिक्स है वो क्या इंटैक्ट स्टेबल है, वो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग एंगुलर मेजरमेंट से बता सकते हैं कि कोई अल्फा हेलिक्स स्टेबल कितना है, और एंगुलर मेजरमेंट ही बताती है कि उसकी पिच कितनी है। ठीक है जी, पिच से मुराद हमने कहा था कि टर्न, एक टर्न से दूसरे टर्न तक का जो डिस्टेंस है उसे पिच कहते हैं। और एक अमाइनो एसिड का फर्ज करें यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, तो वो 0.15 नैनोमीटर या 15 एंगस्ट्रम है। और एक टर्न के अंदर जैसे कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और बहुत दफा एमसीक्यू स्टार्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं, एक टर्न के अंदर अमाइनो एसिड कितने, तो 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू मौजूद होते हैं। तो इस तरह की एक अल्फा हेलिक्स होता है जो बनता है, उसकी स्टेबिलिटी है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर होते हैं और ये कितनी टाइप का होता है। तो आपके लिए ऐसे दो तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने ज्यादातर राइट हैंडेड दिखाया कि ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग राइट हैंडेड ही देखते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो अल्फा अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है पारा किस में जाता है। तो जो अमाइनो एसिड बेसिकली जो हमने पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर और प्रोटीन होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो अल्फा हेलिक्स होता है। इस तरह हमारी नेल्स और हमारे बाल के अंदर जो क्रिएटिन होती है वो भी किससे मिलकर बनती है, उसमें भी क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, इसके मतलब अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।